एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ बिन आलू की सूखी वाली सब्जी। इस तरह से बनाकर रेडी कर बहुत ही टेस्टी लगता है। चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए कढ़ाई को हम पहले अच्छी तरह से गर्म करेंगे और इसमें तेल डालेंगे। तेल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, इसमें आधा चम्मच जीरा डालेंगे, थोड़े से लहसुन की कलियां, अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं यहाँ पे, मिर्च। जैसे लहसुन और मिर्च हल्का फ्राई होगा हम यहाँ पे बीन्स और आलू डालेंगे। यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार और इसका फ्लेम हम हाई रखेंगे। हाई फ्लेम में इसे हम कुछ देर भून लेंगे। जब वह हाई फ्लेम में 5 से 6 मिनट भूनने के बाद ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है, जो इसमें पानी था वो ड्राई हो चुका है और तेल अलग हो रहा है। अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे। इसमें एक छोटा साइज का टमाटर मैंने लिया है, एक छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटी चम्मच हल्दी, एक छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ये एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसालों को मिलाने में आसानी होगी। तो इसका फ्लेम मीडियम कर दे और इसे ढक दे और ढक कर इसे आप 5 से 10 मिनट तक पकने देंगे, बट बीच में जरूर मिला लें। लगभग मीडियम फ्लेम में पकते हुए 10 मिनट हो चुका है, इसे हम मिला लेते हैं। अब इसका फ्लेम हम लो करेंगे और लो फ्लेम में इसे कवर करके वापस हम पकने देंगे ताकि बीन्स आलू अच्छी तरह से पक जाए और मसाला भी। देखो 10 मिनट कंप्लीट हो चुका है, अब हम इसे मिला लेते हैं। अब इसका फ्लेम आप मीडियम कर दे और मीडियम फ्लेम में बिना कवर किए हुए 2 मिनट इसे हम और फ्राई कर लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से पूरी ड्राई हो जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बीन्स भी अच्छी तरह से पक चुका है और साथ में आलू भी, देखो अब देख पा रहे हो इजीली कट रहा है, मतलब ये अच्छी तरह से हो चुका है। अब इसका फ्लेम हम बंद करेंगे और हमारी सिंपल सी बीन्स आलू की ड्राई वाली सब्जी बनकर रेडी है। ये राइस या रोटी के साथ सर्व करें, आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। अगर आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बीन्स आलू की